हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटॉक। और मैं हूं फ्रेंड्स आपके साथ प्रकाश। फ्रेंड्स वेलकम अगेन एक और नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अमेजॉन। अमेजॉन का यूज करके आप कैसे एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, जानेंगे हम इस वीडियो में। फ्रेंड्स आज अमेजॉन का नाम हर कोई जानता है, और अमेजॉन ना कि ही इंडिया में बल्कि यूके, कनाडा, बल्कि बहुत सारे कंट्री में अपनी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है। फ्रेंड्स अमेजॉन आज एक बहुत ही बड़ा बाइंग एंड सेलिंग प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे कस्टमर यहाँ परचेज करते हैं और बहुत सारे सेलर यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। आज अमेजॉन का बहुत बड़ा फ्रेंड्स कस्टमर बेस है, और आज हम सीखेंगे कि इस कस्टमर बेस का यूज करके आप कैसे अपनी अर्निंग कर सकते हो अमेजॉन से। इसके लिए फ्रेंड्स आपको किसी भी तरह के GST नंबर वगैरह की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में पहले आपको बताना चाहूँगा, आपको किसी तरह की GST नंबर की जरूरत नहीं है। और मैं स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप अमेजॉन से अर्निंग करोगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारे जो इस तरह के वीडियो आते रहती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स तो हम सबसे पहले जानेंगे कैसे हम अमेजॉन से अर्निंग कर सकते हैं, कैसे हम कस्टमर बेस अमेजॉन का यूज करके अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बताना चाहूंगा, अमेजॉन में अगर आप कुछ भी सेल करते हो तो आपको GST नंबर की जरूरत होती है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट पर टैक्स लगे होते हैं और वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। इसलिए अमेजॉन अगर आप कुछ सेल करोगे तो सबसे पहले आपका GST नंबर मांगेगा, बट हमें विदाउट GST लिए ही अर्निंग करनी है। तो फ्रेंड्स एक कैटेगरी होता है बुक्स की कैटेगरी, जिसमें क्या होती है कि आपको GST नंबर देने की जरूरत नहीं है, आप विदाउट GST नंबर के अर्निंग यहाँ पे सेल कर सकते हो बुक्स को। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बुक सेल करके अर्निंग कर सकते हो, और इसमें आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगानी होती है और आपको किसी तरह की GST नंबर टैक्स वगैरह पे नहीं करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक बैंक अकाउंट और एक चाहिए हमारा पैन कार्ड। ये दोनों अगर आपके पास है तो आप बुक सेल करके अमेजॉन में विदाउट GST अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे पास अगर बैंक अकाउंट है तो हम कैसे अर्निंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक अमेजॉन सेलर अकाउंट चाहिए होगा। तो चलिए अपने चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम सबसे पहले अमेजॉन सेलर अकाउंट बनाएंगे। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और हम सेलर अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। तो ये पेज आने के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आप इस पेज पर लैंड हो जाओगे और यहाँ से आप अपने सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन दिए लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर इस सारे डिटेल को फिलअप कर दें। फ्रेंड्स हमने सारा डिटेल डाल दिया है यहाँ पर, योर नेम में अपना नाम आप भरें, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दें, उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और एक सेफ डिजिट का आपको पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना है, जो भी आप रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर आप जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आपके जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP आएगा, और एक OTP आप जो भी आए वो आप इसमें इंटर कर दें। फ्रेंड्स हमने OTP इंटर कर दिया है और अब इसे वेरीफाई करवा लेते हैं। तो आप जैसे ही वेरीफाई कराएंगे अपने OTP, आप नेक्स्ट पेज पर लैंड कर जाएंगे और यहाँ पर देखिए प्लीज़ वेट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर अपने कंपनी का नेम रजिस्टर करवाना है, तो यहाँ पर आप कंपनी और बिजनेस नेम में अपना नेम इंटर कर दें। मैंने अपना नाम इंटर कर लिया और यहाँ पर सेलर अग्रीमेंट पर टिक कर ले और इसे कंटिन्यू कर दें। फ्रेंड्स अब ये हमारा फोन वेरिफिकेशन हो गया, अब हम सेकेंड स्टेज में सेलर इन्फॉर्मेशन, तो जल्दी से मैं इसे फिलअप करता हूँ। इन्फॉर्मेशन में फिलअप कर दिया है, तो सबसे पहला स्टोर नेम, तो आप जो भी आपका स्टोर का नेम रखना चाहते हैं आप यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ से चेक अवेलेबिलिटी कर सकते हैं कि ये स्टोर नेम अवेलेबल है या नहीं। ये एक मेल आईडी के जैसे है दोस्तों, ये आपका इसी नाम से अमेजॉन में सेलर अकाउंट खुलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों सेलर प्रोडक्ट कैटेगरी, तो यहाँ कैटेगरी में आपको बुक सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें विदाउट GST सेल करना है। अब यहाँ पर अपना पिन कोड, यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह सारा फिलअप कर दें और यहाँ से आपको फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब हम फ्रेंड्स आ गए हैं ये दूसरे स्टेज पे, तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि आप जो है वो क्या शिपिंग जो होगा वो आप इजी शिप करोगे या सेल्फ शिप करोगे। तो यहाँ पे आपको अमेजॉन इजी शिप अगर आप करना चाहते हो, जिसमें क्या होंगे दोस्तों आपको कुरियर जो है वो अमेजॉन के ही द्वारा भेजा जाएगा और अमेजॉन ही उसकी डिलीवरी करेगा। आपको इसके लिए कुछ नॉमिनल फीस चार्ज किए जाएंगे, इसके मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट टाइम बताऊँगा, आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। फ्रेंड्स फर्स्ट में हमने फोन वेरिफिकेशन कर लिया, फिर सेल इन्फॉर्मेशन हमने कर लिया, अब टैक्स डिटेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आई सेल इन GST एक्सेप्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको अपना GST नंबर नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पे आपको आपका जो भी पिन नंबर हो यहाँ पे आप फिलअप कर दें। फ्रेंड्स हमने अपना पिन कार्ड नंबर फिलअप कर दिया है और अब हमें यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स अब हमें करना है सेलर
इंटरव्यू में जाके आपको जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करना है सिर्फ आपको यहाँ पर एक बुक को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम विदाउट जीएसटी सेल करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको व्हाई डू यू गेट प्रोडक्ट फ्रॉम मी, वेयर डू यू गेट प्रोडक्ट फ्रॉम मी, यहाँ पर आप करिए आई रिसेल प्रोडक्ट डेट आई एवर में क्लिक कर दे। व्हाट इज़ योर एनुअल टर्नओवर, तो टर्नओवर में आप यहाँ पे आपका जो भी टर्नओवर हो, तो मैं यहाँ ना सेलेक्ट कर लेता हूँ हाउ मैनी प्रोडक्ट डू यू सेल, तो यहाँ पे आप 60-20 में सेलेक्ट करता हूँ डू यू सेल इन एनी वेबसाइट, तो यहाँ पे मैं नो करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स अब हमारा हो गया है ये, अब हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पर। अब हमें तीन चीज़ और आपको यहाँ पर दो चीज़ और दिख रहे होंगे। फर्स्ट अपने प्रोडक्ट टू सेल यहाँ पे स्टार्ट लिस्टिंग छोड़ दीजिए आप अभी, और यहाँ पर देखिए शिपिंग डिटेल पे आपको करना है, और यहाँ पे एक है बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट के डिटेल्स सारे डालने हैं। चलिए मैं इसे जल्दी से फिलअप करता हूँ, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अकाउंट डिटेल भर दिया, आपके जो भी अकाउंट डिटेल हो आप यहाँ भर दें और यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे सेव कर दें, तो आपका देखिए अकाउंट डिटेल भी यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, बैंक डिटेल भी वेरीफाई हो चुका है। अब हम आते हैं शिपिंग फी डिटेल पे, तो यहाँ पे सेट रेट में आपको जाना है। फ्रेंड्स हम बैक जाके आगे चुके हैं, तो ये हमारा शिपिंग डिटेल भी वेरीफाई हो चुका है, और अब हमें लास्ट है साइन। तो साइन के लिए आपको फ्रेंड्स एक पेपर में साइन करना है और यहाँ अपलोड योर साइन पर उसे यहाँ पे अपलोड कर देना, तो चलिए हम इसे जल्दी से अपलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए कि हमने गैलरी से सेलेक्ट कर लिया और इसे क्रॉप करना है, और मैं इसे डन करता हूँ, और ये देखिए कि यहाँ पे हो चुका है कंफर्म, मैं इसे कर देता हूँ, और ये देखिए साइन भी हो गया। तो अब हम इसे सिर्फ हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लॉन्च योर बिजनेस, लॉन्च योर बिजनेस में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे दिखा रहा है इम्पोर्टेंट, तो हमें सबसे पहले एक लिस्ट करना होगा, तो चलिए एक लिस्ट करते हैं फटाक से। स्टार्ट लिस्टिंग पे आप क्लिक करें, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है एनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो इसके लिए हमें एक बार साइन अप करना होगा, तो चलिए एनेबल कर लेते हैं अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन। फ्रेंड्स टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए हमें दो मोबाइल नंबर चाहिए, एक जो हमने सेलर अकाउंट बनाते समय यूज किया था वो, और एक आपको एक नया नंबर चाहिए होगा जिस पे दोनों पे ओटीपी आएगी। फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो मोबाइल नंबर दिया वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पे आपको करना है प्लीज़ सेंड द कोड, और जो कोड ओटीपी आपके नंबर पे आए वो यहाँ पे इंटर कर दे और एक बार इसे वेरीफाई कर ले, और जैसे आप इसे वेरीफाई करोगे और फिर आपको फिर एक और मोबाइल नंबर मांगेगा आपको, फिर वो जो आपके पास अवेलेबल मोबाइल नंबर वो दे, और उसके बाद इंटर, और उसके पास उसमें जो कोड आए वो इसमें आप इंटर कर दे और वेरीफाई करा ले, उसके बाद आपका सैलरी अकाउंट फ्रेंड्स बन जाएगा। ये देखिए हमारा सैलरी अकाउंट लगभग बन ही गया, तो अब मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से देखिए लॉग आउट मार सकते हैं, और वापस से आप उसे फिर साइन अप करें, तो आपका सेलर अकाउंट वो ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स तो देखा आपने कि कैसे हमने अपना एक अमेजॉन सेलर अकाउंट क्रिएट कर लिया है, और इसके थ्रू अब हम बुक सेल करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, तो सबसे पहले हमें GST एग्जामिनेशन लेना होगा अमेजॉन से, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कैसे आप इसमें बुक अपलोड करोगे और कैसे इसे सेल करोगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो पार्ट टू में मिलते हैं, और देखते हैं कैसे हम GSTI एग्जामिनेशन लेंगे और कैसे अपने बुक को अपलोड करके सेल करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट टू में दोस्तों।